जो सुना ही है कि जाते जाते जय शाह साहब ने, अभी जब वो जा रहे थे ICC की मीटिंग में, जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पास से बाहर रखे जाए। सवाल ये है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो ACC का इवेंट था, ये ICC का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है BJP की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया जाए। हमारा ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या जो भी हमारे को अवार्ड मिलता है ऑर्गेनाइज करने का, तो हम पहले पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं तो हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा, बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को हम इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है, मतलब वो हमारी जातियात पे भी चले जाते हैं, जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल का इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गया कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने घुटने टेक दिए BCCI के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें। हमको ICC डिप्लोमेसी करके मना मनु के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाते, बना के खिलाए उनको। नहीं, पाकिस्तान अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा पहले बदमाशियां कर रहे थे, अगर नहीं आता तो मत ना आए, भाड़ में जाए, ये करे वो करे, हम देख लेंगे, हम 26 में नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं कि यार ऐसा ना करो, हिंदुस्तान को आना जरूरी है, वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज से ICC में मीटिंग होने जा रहा है जिसमें जय शाह समेत PCB के चेयरमैन और बाकी सारे ICC के बोर्ड्स के मेंबर उसमें शामिल होंगे, और जय शाह को ICC के मीटिंग से पहले जर्नलिस्ट ने पूछ लिया चैंपियनशिप के बारे में, तो जय शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो ICC के मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल की पेशकश करेंगे और हम तो नहीं जाने वाले पाकिस्तान में। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज़्यादा आग मची हुई है और पाकिस्तान मीडिया वाले बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, और भारत हमेशा हमको पैसा देकर मतलब हमसे सब कुछ छीन लेता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। सवाल ये है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो ACC का इवेंट था, ये ICC का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है BJP की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया जाए, सियासी तौर पर भी तन्हा किया जाए और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। और क्रिकेट तो आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ है कि खेल और सियासत को अलहदा होना चाहिए, खेल खेल रहे हैं और सियासत सियासत रहे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए, और जब तक तो ये मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में उस वक्त तक उनकी यही पॉलिसी रहेगी, उनकी यही सोच रहेगी, वो नहीं बदलेगी, चाहे एशिया कप हो चाहे अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है सब कुछ हो रहा है, तो ये तो तब्दीली मैं नहीं देखता इसमें जरा भी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब वैसे तो बहुत ही मजबूत चेयरमैन है PCB के, लेकिन क्या वो क्रिकेटिंग बॉडीज में भी इतने स्ट्रांग हैं कि भारत को कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान आए? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिकेटिंग जो मुख्तलिफ बॉडीज हैं ख़ास तौर पर जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आप उसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें, उनके साथ उनका मुझे मैंने कहीं नहीं देखा कि उनका किसी जमाने में कोई ताल्लुक वास्ता रहा हो। जैसे लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करूं तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको लगता है कि हम इतने बड़े इवेंट के लिए इस वक्त तैयार हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस किस्म की ज़रूरियात है इस मेज़बानी की, क्योंकि हर ट्रॉफी के हर इवेंट के कुछ तकाजे होते हैं, तो उनसे तो मैं आगाह नहीं हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है, जिसमें टीमों के बंदोबस्त, उनके ठहरने के इंतज़ाम, उनकी हफाजत के इंतज़ाम ना, ये सारे काफ़ी इंतज़ाम हैं जो अभी तक मैंने कुछ अखबारात में ऐसी खबरें नहीं पढ़ी जिससे समझ आए कि कुछ इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत से खबरें आती हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, हरभजन सिंह भी ऐसी ही बातें करते हैं, उनका मीडिया भी ऐसी बातें करता है।
हमारा ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या जो भी हमारे को अवार्ड मिलता है ऑर्गेनाइज करने का, तो हम पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं कि यार चलो हमारा हमें कुछ बेनिफिट दे दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, तो वो अब आपको सर्विस चेंज करनी होगी, अब आपको भी अपना फुट डाउन करना पड़ेगा और कह दें कि भाई क्योंकि हमें ये ऑर्गेनाइज करने का मिला है और हमने अपना ड्रॉज भी भेज दिया है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, आप इसमें इनको कंपेल करें कि वो आके पाकिस्तान में खेले मैच, बस हमको आईसीसी डिप्लोमेसी करके मना मुनू के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाते, वो मना के खिलाए उनको नहीं पाकिस्तान, तो अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा। आईसीसी की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये 3-4 दिन की मीटिंग का सिलसिला है, जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सबका, वो सबको ही पता है वो क्या है, वो तो यही है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी। जो सुना यह है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे आईसीसी की मीटिंग में, जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए, जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जो अब रिपोर्ट भी हो चुका है वो ये है कि जो एजेंडा है ऑफिशियल आईसीसी मीटिंग का बोर्ड का उसमें नहीं है ये चीज़, देयर इज नो डिस्कशन ऑन दिस अबाउट इंडिया प्लेइंग आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन जैसे होता है मीटिंग में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कोई भी मेम्बर किसी इशू को उठा सकता है, तो वो बिल्कुल उठा सकता है इंडिया, और जो मुझे पता चला है कि वो यही कह गया है कि जी हम तो मतलब पाकिस्तान से बाहर खेलने के बारे में हम बात करेंगे। ट्रॉफी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के अंदर ट्विस्ट मारते हैं कि पाकिस्तान में नहीं जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही जाएगा और श्रीलंका के अंदर जो है ना वो उसको दूसरा एज ए सेकेंड वेन्यू जो है वो जिस तरह एशिया कप के अंदर हुआ था। देखिए जी, चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया में आपने बात किया, मीडिया वॉर शुरू कर दिया उन्होंने, और उनके सबका टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह है और एक दो और हैं, और मतलब खुद मीडिया के लोग जो हैं बहुत जो मतलब उनके मुबसर हैं वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को हम इतना मौका देते कि हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है, मतलब वो हमारी जातियात पे भी चले जाते हैं मुल्क के अंदर, मतलब पैसे की कमी को मांगने को और ये वो जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गए कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से, बड़ी तरह की बातें करते हैं, यानी वो क्रिकेट को जो है ना वो हमारी जातियात पे जी तुम तो मांगते हो तुमने क्या करना है, तुम्हारे यहाँ तो दहशतगर्दी, अपने मुल्क को संभालो, मैच खेलो नहीं खेलना चाहते ना, घर पर कहता ना खेलो नहीं खेलना चाहते, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम हमारे मुल्क में हो, हम तो नहीं तुम्हें बुलाते, तुम तो खुद चले जाते हो, नहीं आएंगे हम, नहीं खेलेंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा मुल्क में जैसे तुम्हारे पास पैसा है हमसे तुम मांगते हो, फलाना करते हो फलाने से मांगते हो, कि बीजेपी है और फिर ये जो हरभजन जो उनके स्टेटमेंट दे रहा है सिखों की तरफ से, वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इंडिया अपने साथ एक ग्रुप को बुला लेता है जिसमें अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके बाद और 2-4 कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड है, हम बड़ा दावा कर रहे हैं इंग्लैंड भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, उन्होंने कह दिया है वो खेलेंगे सब कुछ। देखिए ये जो गोरे होते हैं ये बड़े ठंडी सियासत करते हैं, हमारी तरह जज्बाती नहीं करते, क्योंकि हम बड़ा गोश्त खाते हैं, गोश्त ज़्यादा मतलब गोश्त के बहुत है शौकीन, ये भी बड़े ठंडे होते हैं, हिंदू ये भी वेजिटेरियन होते हैं तो वेज खिलाते पीपल खिलाते, हम बड़ा हम गोश्त खाते हैं, गोश्तखोर जो होता है वो बहुत जज्बाती होता है, हमारे कुछ होते हैं फैसले, हम जल्दी जल्दी में फैसले करते हैं, ये ठंडे चलते हैं, ये आहिस्ता 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 देखेगा। अब इंडिया जो वार कर रहा है, जो असल वार प्यारा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वार कर रहा है, सबसे पहले वो कहेगा जी मेरे हमारे प्लेयर वहाँ महफूज नहीं है, हमारा इनसे दुश्मनी है, आहिस्ता 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 वो कन्विंस करेगा न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, अदर कंट्रीज़ को, वहाँ ना जाइए, वहाँ पर दहशतगर्दी है, आप महफूज नहीं हैं, उनके इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती पेश करती है, उससे क्या होगा, वो कन्विंस करेगा इन बोर्ड्स को कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना। लेकिन सर जी वो तो सारे खुद आके खेल गए, इंग्लैंड खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, श्रीलंका खेल गया, सारे अभी बांग्लादेश आ रहा है, वो कैसे इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएंगे भारत के एक एक जुमले के ऊपर या एक स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए ओवरऑल पाकिस्तान की जो इस वक्त अंदरूनी मामला है ना वो काफ़ी सवालिया निशान है, एक अंदरूनी जो वो हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं,
जो रोजाना के जो आप मामले आते हैं, मतलब जो दहशतगर्दी के, उसके इसकी ये प्ली बहुत लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया पगलाया गया है और ये सोच रहे थे कि भाई भारत कहीं ना कहीं इस पर कंप्रोमाइज कर लेगा इसे जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जैसा को तो आप जानते हैं जो एशिया कप को उठाकर पाकिस्तान से ले सकता है तो उसके लिए मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो मतलब ACC का मैटर था, एशिया कप ये ICC का मैटर है, इससे इसमें क्या कर सकता है इंडिया। भाई BCCI जो है वो ICC को चलाता है ना कि ICC BCCI को चलाता है। ICC क्या बोलेगा BCCI को, और ICC की बात है मानेगा जैसा इतना छोटा आदमी हो गया। मतलब जो बंदा 70% रेवेन्यू से जो अपने पेरेंटल बोर्ड को जो सिस्टर बोर्ड चलाता हो, मतलब कह सकते हैं कि जो ICC है वो पेरेंटल बोर्ड है, उसका एक सिस्टर बोर्ड है BCCI, लेकिन जो सिस्टर बोर्ड है वो अपने पेरेंटल बोर्ड को चला रहा है, वो क्या बात करेगा कि भाई तुम वहां पर जाओगे। वो मतलब ICC बोल देगा कि नहीं भारत को जाना चाहिए पाकिस्तान, ऐसा नहीं बोल सकता। अगर ऐसा होता तो जब से ये रूमर चल रहा है तब से ICC बोल देता कि भाई आप चले जाइए, लेकिन ICC के पास इतना हिम्मत नहीं है। जो BCCI कहेगा उसको ICC मानना पड़ेगा, और या तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगा और पाकिस्तान अगर ज्यादा उछला तो पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलकर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।